हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है वैभव के हल्दी और मैं अभी उठा हूँ 9:30 बजे। ठीक है, मुझे उठाने के लिए दो लोग आए थे आज। मैं उठ ही नहीं रहा था। मैं मतलब सुबह उठा 6 बजे, मैंने ब्लॉग अपलोड किया, फिर सो गया मैं। हाँ। और मैं अभी उठ रहा हूँ 9 बजे, तो मेरी नींद पूरी हो गई। अब मैं फुल एंजॉय करूंगा आज। तो भाई पूरा मंडप डल चुका है, देखो पूरा पैक हो चुका है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे सारे मेहमान लोग आ चुके हैं। भाई सुनील देखो इधर तैयारी कर रहा है, खाना बना रहा है, नाश्ता दे रहा है सबको। ये देखो दूल्हा भी रेडी है। वैभव, ओ वैभव, मेहंदी कैसी है? अर ये हाथ उसने ना उसके वाइफ के लिए रखा है। वो निकल, नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई सच में ये दोनों हाथ पे रख दिया, लगा दिया पैरों पे लगाई। ये देखो पैरों पे भी मेहंदी लगाई है। ये हाथ के दिखा, राइट हैंड। वाओ, ग्रेट सक्सेस। और मेरी मैंने ये निकाला है नाम साइली और वैभव। और मेरे हाथ की भी मेहंदी देख लो। तो चलो भाई, मैं ना पहले सबसे पहले मैं नहाता हूँ और फिर मैं कपड़े वगैरह पहन के इधर आ जाता हूँ। ब्लॉग बनाएंगे फिर। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। और मेरी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, एक्साइटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है, एक्साइटमेंट लेवल अप हो चुकी है। ये अपनी बैग कल ही हमने पैक करके रखी थी। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और मेरे हाथ में है देसी घी। ये लगने वाला है उनको। और सचिन भाई ये क्या मिक्सी है मसाले कूटने के लिए? हाँ। और यहाँ पे मंडप देखो कितना सुंदर दिख रहा है, चारों जगह से ढक दिया है। अभी मजा आ रहा है देखने में। बैंगन की सब्जी है। क्या क्या है मेनू में पता करते हैं, ठीक है भैया? मेनू में क्या क्या है? ओ भैया मेनू में क्या क्या है? एक सब्जी है वांगे बटाटे की। हाँ। दाल चावल। हाँ। जलेबी, चपाती, डोसा। ओके, तो अभी ना हमें नाश्ता करना है। और नाश्ते में देखो क्या है भाई, पोहा, माय फेवरेट पोहा। बट मैंने अभी नहाया नहीं है और मेरा माला जप करना भी बाकी, तो मैं बाद में खाऊंगा, तुम लोग खाओ। नहीं, माला जप तक नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता तब तक। दोस्तों जस्ट नाउ मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने सेम टी शर्ट पहना जब तक मेहमान लोग नहीं आते। बाद में मैं ये ड्रेस पहने वाला हूँ जिसके लिए मेरा भाई अपने मस्त हाथों से इस्त्री कर रहा है। मजदूरी का पैसा मिलेगा। एक भाई मेरे शूज पोंछ के दे रहा था, एक मेरे कपड़े इस्त्री कर रहा है। एडवांटेज ऑफ बीइंग अ एल्डर ब्रदर। ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही दूल्हा हूँ। यस। और मम्मी जी तो एकदम रेडी हो गई है सज धज के। तो मेहमान लोग आने शुरू हो चुके हैं। देखो नानी जी आ गई हमारी। ये देखो सब लोग आ गए, पायल के मम्मी पापा भी आ गए। इधर पायल का तो मेकअप चल रहा है भाई, मेकअप दोनों का, सास और बहू मेकअप एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए थे लोग हमारा घर देखने के लिए। हाँ, ये तो कपट बनवाए थे, इतना ही तैयार बिंदीला। तो ये पायल की पूरी फैमिली है, हमारी नानी जी, पापा, चाचा, मम्मी, पायल की मम्मी। दादाजी को नए ड्रेस पहनाने पड़ेंगे, दादाजी को है ना, पहनते ही नहीं नए कपड़े, शादी के दिन भी नहीं पहनते। संतोष आया है और हमारे सर भी आ गए हैं प्राइमरी स्कूल के। और संभल बजना शुरू हो चुका है क्योंकि अभी है मांडव डहाड़े, उसके लिए आम के पत्ते लगते हैं। तो अभी ये है ना मंडप को लगाया जाता है, इसे मांडव डहाड़े बोलते हैं। और यहाँ पे ना अभी जिनको जिनको आहेर मिला, आहेर मतलब क्या होता है, गिफ्ट्स होते हैं। जैसे मेरे ससुर जी ने मेरे लिए ड्रेसेस वगैरह लाए है, पायल के लिए साड़ी वगैरह लाई है, वैसे हर किसी ने पापा के लिए लाया है, नाना के लिए उनके ससुर जी ने लाया है। तो ऐसे सारे गिफ्ट्स को है ना यहाँ पे रखा जाता है और उनकी एंट्री होती है, नोटबुक में लिखा जाता है। पायल और मम्मी दोनों रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे आहेर है, मेरा, सुनील का, पापा का, क्योंकि सुनील की भी शादी तय हो चुकी है ना, तो उसके भी ससुर जी ने उसके लिए ड्रेस वगैरह दे दिया है। और हमारे गांव के लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पे जलेबी निकालने का काम शुरू हो चुका है। सभी भाई लोग रेडी हो चुके हैं। दिस इज द आउटफिट फॉर द डे, OOTD। इसका तो चेंज होता रहेगा, हम तो वैसे रहने वाले। हाँ, मिला कैमरामैन सुनील यादव के साथ, रिपोर्टिंग स्वप्निल यादव। चलो
अब ये कौन सा फंक्शन है मुझे पता नहीं, पर पूजा करने जाना है कुछ तो। तो यहाँ पे प्रॉक्सी भगवान जी की स्थापना होगी, जो एक्चुअल भगवान जी है उनको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि उनके मंदिर में जाने का टाइम नहीं अभी। तो 5 पत्थर उनको पूजा की जाएगी। जो भी मेहमान आए उनके पैर धोए जा रहे हैं, मतलब अभी हमारे दादाजी के पैर। इकड़े श्लोक। तो जो भी सब मेहमान लोग आए हैं उनको टोपी पहनाई जा रही है। इट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट शो करने के लिए ऐसे टोपी पहनाई जाती है। तो जो हमारे जाधव परिवार से वो सब लोग, ये भी हमारा भाई है, मतलब सोना मोना का कज़न ब्रदर है। सुनील का नंबर लग चुका है आहिर के लिए। दादाजी का नंबर लग चुका है। तो दोस्तों फाइनली मांडव दहाड़े का फंक्शन हो चुका है और अभी खाना होगा सबके लिए। तो सभी लोग बैठ चुके हैं अपने अपने हिसाब से, जहाँ पे जिसको जगह मिल चुकी है तो सब लोग बैठ चुके हैं। परोसने का काम चालू है, सबको एक बार परोसने के बाद एक भजन गाया जाएगा और सब लोग खाना खा लेंगे फिर। घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सजवन होता नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वान्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणिजे यज्ञ कर्म, कुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, योगीराज तुकाराम बाबा की जय। बसा मंडळी। देखो ऐसे होता है, खाना खाने से पहले भजन गाया जाता है। सुनील भी परोस रहा है आज, सारे गांव वाले लगे हुए हैं। ये देखो दादाजी की जनरेशन और दादाजी के दोस्त लोग इधर बैठे हैं। चलो भाई यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। जो खाना परोसने वाले थे वो बाकी रह गए थे, अभी ले लेंगे ना भाई आपको भी वीडियो में। चलो भाई खाना लग चुका है, मस्त पेट भर के खाते हैं। तो भाई हमारा खाना वाना हो चुका है और अभी डीजे लग चुका है। दुल्ला रेडी हुआ या नहीं हुआ? दुल्ला बाकी है क्या? इधर दुल्ले का फोटो शूट चल रहा है, उधर निकलने से पहले।
चुका है, इसलिए ना हमें जल्दी से निकलना होगा क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाना है हल्दी के लिए। 3-4 घंटे लगने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी प्रोग्राम फिनिश कर लिया। ये चालक चल दे को तो यहाँ से भेज दिया है। अभी मंदिर में जाएंगे, दर्शन वगैरह करेंगे और फिर वहाँ से हम सभी लोग चले जाएंगे जहाँ पे हल्दी होने वाली है। मम्मी और ये सब लोग तो बस में आ जाएंगे, हम पहले निकल रहे हैं कार में। मेरी नानी है, उनकी सगी सिस्टर है ये दो। तो चलो भाई अभी हम दोनों निकल रहे हैं हमारी गाड़ी में। हमारे साथ हेमंत सर जी है और बाकी सब लोग तो आगे चले गए, शादी की है तो मैं दोस्त लोगों के साथ रह नहीं पाता हूँ, मुझे पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने। हमारे हेमंत सर देखो कितने हार्ड वर्किंग बॉय, सुनील का काम वो कर रहे हैं आज। सुनील तो चला गया भाई, तुम्हारे इथं सोडून चाललो ते नवरदेव आदि मालूम झालं जाणार। तो दोस्त अभी हम कोपरगाव में पहुंच चुके हैं और हमें हमारे जीजा जी मिल चुके हैं। सुनील और ये सब लोग इस कार में हैं और अभी यहाँ से हमें पायल के मेकअप आर्टिस्ट उठाने। कौन मान लो तो पूरा पायल को है ना उल्टिया हो रही, तो हेमंत सर कुछ यहाँ पे उपाय कर रहे, उसके पैरों के नीचे रुई रख रहे। हेलो तो गाइस फाइनली हमें वैभव मिल गया, वैभव के शादी का डेस्टिनेशन मिल चुका है। तो मैं आपको एक सेकंड में रिवील करने वाला हूँ, ठीक है? ये देखो, तो दिस इज द लॉन्स जहाँ पे वैभव की शादी है और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और वैभव जस्ट हमारे पहले पहुँचा है यार। मतलब हम जस्ट मतलब वो भी उनकी गाड़ी तो देखो। मुझे लगता है उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा भाई, गाड़ी तो देखो इतना रास्ता, मतलब इतनी मरम्मत के बाद रास्ता मिल रहा है ना। हेमंत सर शूटिंग करा। यस, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वीडियोग्राफी चल रही है, बच्चे नाच कूद रहे हैं और यहाँ पर देखो ये बड़ा ही मासूम चेहरा लेकर यहाँ पर खड़े हैं वैभव। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, चलो भाई मंडप में जाके बैठते हैं। वैभव कैसा रहा अपना, अपनी जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे होगी वैभव की शादी। गाड़ी में से ना सामान सब निकाल लेते हैं क्योंकि फिर हल्दी की तैयारी शुरू हो जाएगी और उससे पहले वैभव की एंगेजमेंट तो नहीं है, एंगेजमेंट तो पहले हो चुकी है ना। ओए हेमंत सर अपने बैग्स का क्या करना है, हम बाद में लाएंगे। मैं हैरियर चला के देखता हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं। वाओ हैरियर काफ़ी स्पेशियस है यार। हेमंत तुम्हें नेक्स्ट कार है ना, हैरियर ले लेना तुम, ठीक है? यस, और बहुत स्पेस है यार, कंफर्ट है ना बहुत ज्यादा, स्पेस देखो। चलो भाई अभी हल्दी एंजॉय करेंगे, मस्त नाचेंगे गाएंगे मौज करेंगे। तो ये सारे वैभव के ससुराल वाले लोग हैं, ये वैभव का साला है। हम लोग वेट कर रहे हैं घर से, हमारे मम्मी पापा लोग आए क्योंकि वो बस से आ रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, फिर उसके बाद ही हल्दी शुरू हो पाएगी। तो तब तक हम यहाँ पे गप्पे वगैरह कर रहे हैं। वैभव के सारे दोस्त लोग आ चुके हैं पुणे से, तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि मेहमान लोगों ने बोला भाई कुछ खा लो नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि
हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है हम खाना नहीं खा रहे, चाय पी रहे, उनको लग रहा है हम नाराज हो गए, इसलिए हम आ गए अभी। सो दिस इज गोइंग टू बी वैभव रूम फॉर टुडे। तो यहाँ पे आज वैभव और शायद से दो चार लोग और रुकेंगे हमारे बीच में से, नहीं तो पूरे ही रुक सकते। ये सही दिख रहा है तुम्हें? तो चलो भाई पहले नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते में गुजराती फ्लेवर ऐड हो चुका है, फाफड़ा, जलेबी एंड ढोकला, ठीक है? फिर अभी इसके बाद खाना खाएंगे नाचने के बाद, ठीक है? बहुत सारा डांस करेंगे और फिर खाना खाएंगे हम लोग। कैसी टेस्ट? सभी गेस्ट आ चुके हैं पर मेन गेस्ट आने बाकी है अभी, मम्मी पापा ही नहीं है दूल्हे के इधर। पायल का मेकअप देख लो। Who is the cutest girl? आलू। काका मौसी कधी आली? मौसी आ गई है, आलू की मम्मी आ गई है। नितिन कुठे गा? नितिन की बीवी भी आ गई है। आलू और एक अलग टुकड़ी देख। तो सभी मेहमान आ गए हमारे गांव से भी, एक गाड़ी थी तो सब उसमें आ गए हैं। मम्मी तो उसके बहनों के साथ गप्पे लड़ा रही इधर। तो हमारे पापा सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हल्दी होने वाली है। आलू आलू एक पप्पी माँ जी। तो भाई अभी हम सब लोग रेडी हो रहे हैं हल्दी के ड्रेस के लिए, तो यहाँ पे सभी लोग। मैं भी रेडी होता हूँ, दो मिनट। तो भाई ये देखो मैं रेडी हो गया सबसे पहले। वही वो भी रेडी हो चुका है, दाल तो सारे मेहमान आ चुके हैं। अभी हल्दी तो शुरू भी हो गए भाई। हमारे मौसी के घर है और एक शादी है तो वो जा रही है, वो विजिट करने के लिए आ गए थे। नहीं गए सर? आलू गोभी माँ से भले मौसी ने मेरे साथ ड्रेस मैच कर दिया। मेरी मम्मी देखो इधर। मम्मी पैकेज दिखती। ये देखो ये चारों भाई बहन है, इनको देख लो सके परिवार, और इनका परिवार इतना सब बड़ा। और यहाँ पे हल्दी की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। वैभव के हल्दी पूरे जोरों शोरों से, और यहाँ पे फोटो निकालने के लिए इतनी भीड़ हो रही है ना। ये देखो सुनील को फोटो निकालना है, सबको सबको फोटो निकालने, बस सब लाइन में खड़े इधर। हमारे मम्मी को तो घर भी जाना है बाद में, और पायल तो भाई अपने भाइयों के साथ बिजी उधर, पूरी फैमिली हमारी इधर। ओ फटाके भी चल रहे। और इस शादी में सुनील की बीवी भी मौजूद है, फ्यूचर बीवी, जो इस कैमरे के नहीं यार उनको शादी में दिखाएंगे। पहले मेरा और तुम्हारा कर लेते हैं फिर तो अभी हम दोनों का फोटो शूट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों हमारी फैमिली को निकलना है घर, 3 घंटे का रास्ता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी हल्दी लगाने वाले हैं, तो मुझे फोटो निकालने के लिए बुलाया।
पहले बैठ चुके हैं पापा लोग, उनको घर जाना है, कल सुबह जल्दी आना है फिर से। तो सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। मम्मी किधर है मेरी? मम्मी कोट भर जा सकाई लौकर यहाँ। मम्मी पापा घर जा रहे हैं अभी, सुबह आएंगे। तो यहाँ पे ना अभी लड़की वालों की तरफ से हल्दी लगाई जा रही है, तो फुल बिजी माहौल है यहाँ पे अभी। और हम लोगों को काफ़ी भूख लग चुकी है और थक भी गए हैं अभी, पर अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी पता नहीं कितना देर और चलेगा ये। और ये देखो, जल्दी जल्दी निकालो, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये पायल के भाई लोग है। तो अभी ऑलमोस्ट हल्दी का फंक्शन खत्म होने आया है और इन लोगों को अभी नहलाया जाएगा। तो लड़की 15 अगस्त हेलो, ये हो गए हल्दी। केस व्यवस्थित कर, ये वैभव के सब पुणे के दोस्त है। एक मिनट आप यार पानी के बैठ चल। जय श्री राम। फोटो शूटिंग खत्म नहीं हो रहा है, वैभव जब तक यहाँ पे नहीं है हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं अपना। तो इन दोनों का चल रहा है, मेरा तो अभी अभी हो गया। और यहाँ पे देखो भाई, अभी नेक्स्ट ईयर इन दोनों की शादी होने वाली, ठीक है? तो सबने शादी में आना है, प्रशांत के भी। अरे भाई फोटो शूट के लिए कहाँ जाके बैठे ये लोग। तो भाई अब होने वाला है लास्ट फंक्शन, जिसे बोलते हैं मराठी में आखवन। तो दोस्तों अभी लास्ट फंक्शन होने वाला है, इसको बोलते हैं आखवन। और इस फंक्शन का मेन जो ये होता है इम्पोर्टेंस, वो होता है कि जो मंडोली होती है, मतलब ये जो होती है ना, वो दूल्हे को पहनाई जाती है। और फिर ये जब तक शादी होके घर नहीं जाती तब तक वो ऐसी रहती है। तो जो लेडीज़ होते हैं वो आते हैं, पूजा करते हैं, फिर वो मराठी में नाव घेना, मतलब अपने हस्बैंड का नाम ऐसे कोई पोएम में लेते वैसा वे वो। तो ये लास्ट फंक्शन होने के बाद अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे। अब है ना टाइम हो चुका है 12:10 बाकी है, और ये 10 मिनट में ख़त्म करना है क्योंकि अगले दिन नहीं करते ये फंक्शन। और अभी हमारा खाना भी खाना बाकी है। इतना लेट हो गया ना भाई, इतना दूर था ना घर से, तो आने में ही हमारा सब टाइम निकल गया। चलो भाई पूजा शुरू हो चुकी है। पायल तो सब जगह पे एक ही नाम लेती है भाई, एक ही चिपका देती है हर जगह पे। कोई क्रिएटिविटी दिखा जरा। विशाल दाजींचा विजय असो दाजी चल राव घे मोठे नी ताजमहल बनवायला कारागीर होते कुशल विशाल रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास स्पेशल। आता वैभव नाव घेणार आहे। नाशिकचे द्राक्ष, नागपूरची संत्रे, सायली झाली माझी गुरुमंत्र। वा 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 घ्या सायली आवर फटाफट घ्या। हेमंत सरांनी नाही ऐकलंय परत एकदा परत। नाशिकचे द्राक्ष, नागपूरची संत्री, सायली आजपासून झाली माझी गुरुमंत्र। वा 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 चीटिंग हो रही है पे। कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली गीता, वैभव माझे राम, मी त्यांची सीता। वा वा वा
फाइनली अब खाना खाने के लिए जाएंगे और वैभव की हल्दी हो चुकी है। चलो किसे किसे भूख लगी है दाजी? भूख लगी है? भूख लगी है? और भूख लगी है, पापड़ खाने होंगे पहले। प्रशांत सर भूख लगी है? हाँ माँ। तो फाइनली खाना खाने का टाइम हो चुका है, 12 बज के हो गए, अभी 1 बज रहा है और सब लोग इतने लोग बचे थे खाना खाने के लिए और हम लोग भी बचे हैं। चलो फटाफट से खाना खाते हैं, सब लोग भूखे हो गए। चलो भाई खाना खाते। हेमंत सर दाजी रुचतील बर का, काही करू नका त्यांना। शर्ट मध्ये म्हणतो मी। तो दोस्तों सारे फंक्शन अभी खत्म हो चुके हैं और इस ब्लॉग को एंड करने के लिए आज मैंने इन दोनों को रिक्वेस्ट की है, तो हमारा ब्लॉग एंड करेंगे आज। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कल मिलते हैं दोस्तों शादी में। तो वो का एक हाथ की जो मेहंदी बचे थे ना वो अब पूरी हो गई। इनको लेके जाओ सोने के लिए प्लीज। और कितने बजे हो रही है देखो, कितने बजे तक शैलजा का एक मिनट हाथ कट, कितने बजे हो रही है वो भी दिखा। टाइम हुआ है अभी 1:27 रात की। हाँ मास्टर अभी प्लीज मास्टर मास्टर अभी ना ये देख रहे सपना देख रहे कैसा मेरा दिन कब आया। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being alone.